खानपुरा पुलिस द्वारा गोवंश का परिवहन करते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि कुछ लोग गोवंश का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान झालावार रोड धनपुरा फंटा के यहां भेजा गया, जहां एक टाटा मैजिक गाड़ी मिली जिसमें दो गोवंश पड़े हुए थे। पुलिस द्वारा गाड़ी रोकी गई तो चालक द्वारा गाड़ी को तेजी से भगाया गया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को पकड़ा। पुलिस द्वारा जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर दो गोवंश और 60 लीटर कच्ची शराब मिली, जिस पर भानपुरा थाने पर उक्त आरोपी प्रदीप पिता सत्यनारायण गुर्जर निवासी भानपुरा, जाकिर पिता अली अकबर निवासी भानपुरा पर धारा 469 गोवंश अधिनियम व 34(2) आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि में मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गोवंश का परिवहन कर रहे हैं अवैध रूप से। इस सूचना पर प्रधान आरक्षक रणवीर सिंह तथा आरक्षक वकील एवं अन्य फोर्स को इस सूचना की तस्दीक हेतु भेजा गया था, जिस पर धनकपुरा फंटा के वहाँ मुखबिर की सूचना की तस्दीक करते एक टाटा मैजिक गाड़ी मिली जिसमें दो गोवंश भरे थे। और जैसे ही इनके द्वारा गाड़ी रोकी गई तो बेतहाशा भगा के और गोवंश अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो पशु गोवंश और टाटा मैजिक तथा वाहन की तलाशी लेते हुए उसमें अवैध रूप से 60 लीटर करीब कच्ची शराब भी भरी हुई थी 3 केन में, जिसे जब्त किया गया है। धारा 469 पशु अत्याचार अधिनियम एवं 34(2) एक्साइज एक्ट के अंतर्गत दो आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें एक आरोपी प्रदीप गुजर तथा दूसरा जाकिर जो भानपुरा के निवासी हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है।